नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो है वीडियो लेके आया हूँ, यानी कि आपका हूबहू पेपर जो है ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में। जो भी वनपाल वनरक्षक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी कि आपके ये पूरा मॉडल पेपर है जिसमें आपको जो है साइंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, इंडिया जीके के मिलेंगे, राजस्थान जीके के भी मिलेंगे और आपको मैथ के क्वेश्चन भी मिलेंगे। आपको हर टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं, हिंदी के सबके। तो यानी कि ये पूरा मॉडल पेपर होगा, आपकी परीक्षा के आधार पर बनाया गया है। आपको ऐसे के ऐसे हूबहू क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, और इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, तो यदि आपके पास कुछ भी समय बच रहा हो अभी परीक्षा का एक दो दिन या एक घंटा डेढ़ घंटा, तो आप हमारी सारी वीडियो देख के जाए, आपको पता लगेगा कि हमारी वीडियो में से ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे के ऐसे ही प्रश्न। तो चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो को, अंत तक जरूर देखना, थोड़े से एक समय की वीडियो है। राजस्थान में किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर को जो है झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यदि आपको ये डिटेल पढ़नी है तो ये पीडीएफ कैसे मिलेगी और कितने पैसे लगेंगे, सारी जानकारी मैं बाद लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उदयपुर जो है झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो राजस्थान की जो सर्वाधिक जो सीमा है वह किस राज्य से लगती है? तो यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है। तो ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है, तो इसकी सीमा सबसे ज़्यादा ये कहाँ से लगती है? मध्य प्रदेश से, एमपी से लगती है। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 1600 किलोमीटर की। सबसे कम किस राज्य के साथ लगती है इसे पूछा जाए तो 89 किलोमीटर लगती है पंजाब के साथ। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम पंजाब के साथ लगती है। और पाकिस्तान की बात करें तो 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। और मतलब पांचों राज्य की सीमा की बात करें तो 4850 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो इस प्रकार ये आंतरिक सीमा हो गई राज्य के साथ, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, ठीक है। अंतर्राज्य सीमा 4850 हो गई, अंतर्राष्ट्रीय 1050 हो गई। साथ ही में आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य, तो 59-20, तो ये आप याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो सीमाएँ टोटल कुल जो राजस्थान की सीमा स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। तो इस चीज़ की सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए काम आने वाली है, तो हमेशा याद रखना है। राजस्थान में तांबा उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जो तांबे का उत्पादन होता है इसके लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सी है? दोस्तों इस समय जो मैं रह रहा हूँ पिलानी, झुंझुनू पिलानी में, तो झुंझुनू के पास में एक जो है जगह है उसका नाम है खेतड़ी। तो खेतड़ी जो है, खेतड़ी भारत के राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित एक नगर है। इसे तांबा परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। तो तांबा की जो प्रमुख खान है वह खेतड़ी में है। तांबा उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा स्थान है? खेतड़ी झुंझुनू में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में HMT का कारखाना। तो राजस्थान में जो HMT का कारखाना है ये कंपनी कहाँ है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में HMT का कारखाना कहाँ है? ये अजमेर में है। तो HMT का जो कारखाना है ये अजमेर में। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की ये कंपनी है। इसकी स्थापना 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1953 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ये चीज़ आप याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। HMT का जो मुख्यालय हेड क्वार्टर है, ठीक है, HMT का जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य कृषि उत्पाद में देश में प्रथम स्थान है। तो राजस्थान का जो कृषि उत्पाद है उसमें देश में प्रथम स्थान इन चारों ऑप्शनों में से किस में प्रथम स्थान, प्रथम पोजीशन आपको बतानी है। तो हमारे राजस्थान की प्रथम पोजीशन सरसों उत्पादन में, किस में? सरसों उत्पादन में प्रथम पोजीशन है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान में बीकानेर का स्थान है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि यानी कि जो इसका जो एरिया है ना, क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार जो बीकानेर का क्षेत्रफल है वो किस नंबर वाला है? जैसे जैसलमेर पहले नंबर में आता है, तो जो है बीकानेर किस नंबर में आता है? तो बीकानेर आता है मित्र दूसरे नंबर पे, ठीक है ना, किस नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन,
बिसलपुर बांध परियोजना को जलापूर्ति करने वाली नदी का नाम क्या है। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे के ऐसे हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में मिलेंगे। अभी मैं हिंदी के सबके सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ एक साथ पूरे एक ही वीडियो में, ठीक है ना। थोड़े से एक समय के वीडियो है, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, पूरे वीडियो देख के जाए फिर मुझे बताएं कि कैसी वीडियो लगी। तो ये हो जाएगा बनास नदी। तो बिसलपुर बांध परियोजना को जलापूर्ति करने वाली नदी का नाम है बनास नदी, ठीक है ना, बनास नदी। और ये बिसलपुर बांध कौन से ज़िले में, टोंक जिले में है, तो ये चीज़ आप याद रखना है। चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास नदी, ठीक है ना, ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये किस किस के सहयोग से बनाया गया है दोस्तों, ये बिसलपुर बांध जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति के लिए ADB और JBIC के सहयोग से, वित्तीय सहयोग से बनाया गया है मामला। तो देखो यहाँ अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। मैंने एक प्रश्न आपसे सुबह वाली वीडियो में पूछा था केला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केला देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब जो राष्ट्रीय जो है वो मतलब जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपके भरतपुर में, जबकि जो केला देवी मैया का जो मेला लगता है वो करौली में लगता है, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर है, तो ये आप चीज़ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैग्रो वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में मैग्रो वन दो जगह पाए जाते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो पश्चिम बंगाल के सुंदर वन सबसे ज़्यादा सही आंसर है, अंडमान एवं निकोबार वन में, तो ये दोनों सही हो जाएगा, यानी कि एक और दो उपरोक्त दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे। तो काजीरंगा का नाम तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा असम में है, ठीक है ना, ये चीज़ सुनी होगी। कहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं, कहाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। तो ये विशेष प्रकार के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय गेंडे का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन, गिद्धों के संस्करण है तो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। तो गिद्धों के जो संरक्षण है, गिद्धों का जो देखरेख संरक्षण का कार्य करते हैं, वो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किसे किया गया, तो वह किया गया है जोड़बीड गाड़वाला बीकानेर को, जोड़बीड गाड़वाला बीकानेर को जो है गिद्धों के संरक्षण हेतु कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गजनेर पैलेस कहाँ है। तो गजनेर जो पैलेस है, अब गजनेर जो लिफ्ट होगी, गजनेर पैलेस होगा, और गजनेर जो मामला सारा सब कुछ आता है वो कहाँ से आ रहा है गजनेर का मामला, तो गजनेर का मामला आ रहा है बीकानेर से, तो अपना आंसर हो जाएगा बीकानेर, ठीक है ना, बीकानेर। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि बीकानेर में एक ऐसा मंदिर है, देशनोक बीकानेर में एक ऐसा मंदिर है करणी माता का, जहाँ पर चूहे पाए जाते हैं, चूहे जो है ऐसे दौड़ते रहते हैं मंदिर में, तो उन और वहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात ये, जो सफ़ेद चूहे होते हैं ना उन्हें क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो करणी माता के मंदिर में जो सफ़ेद चूहे होते हैं उसे काबा कहते हैं, क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। और जो ये करणी माता है, ये दो जातियों की कुल देवी है, एक तो चारणों की और एक राठौड़ों की जो क्या है, कुल देवी है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर और मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी वो करणी माता द्वारा रखी गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है और अभी भी आ सकता है आपकी परीक्षा में। ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली की विशलनता है, यानी कि ऊँट की खाल पर जो चित्रकला वगैरह बनाई जाती है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ऊँट की खाल पर जो चित्रकला बनाई जाती है वो कहाँ की विशेषता है, तो ये विशेषता है बीकानेर की, कहाँ की है, बीकानेर में ऐसा काम किया जाता है, ऊँट की खाल पर चित्र बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोक पेड़ वैज्ञानिक नाम क्या है। जो धोक का जो पेड़ होता है, धोकड़ा, अपने हमारे हड़ौती की तरफ बोलते हैं धोकड़ा, धोक को, ठीक है। तो धोक पेड़ का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो धोक पेड़ का वैज्ञानिक नाम है एनोगाइसिस पेंडुला, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नाम देखो, साइंस का नाम तो आप पता है आपको, थोड़ा अजीब सा होता है, ठीक है, एनोगाइसिस पेंडुला, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाघों है तो प्रसिद्ध सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है। राजस्थान में जो बाघों है तो प्रसिद्ध सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है, ये है आपके सवाई माधोपुर में, जहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जोगीमहल भी कहाँ है, यहाँ ही है, ठीक है ना, रणथंभौर में।
अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किन किन के मध्य हुआ। तो तराइन का युद्ध हुआ था, जो आपने सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के थे, अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। तो 1191 ईस्वी में जो प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। दूसरा भी इन दोनों के मध्य ही हुआ था, ये भी आप याद रखिए, वो 1192 में हुआ था, बस थोड़ा सा अंतर ये आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूँ आपका, इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया आपको, ये हो गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था। जो खजुराहो का जो मंदिर है, इनका निर्माण किस शासकों ने करवाया था। तो खजुराहो का जो मंदिर का निर्माण है, वो चंदेल शासक यशो वर्मा ने करवाया था। चंदेल शासक यशो वर्मा ने जो है खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया। तो मोहम्मद गजनवी जो थे वो क्या है, हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करते आ रहे थे। तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया, ये पूछा गया है। ऐसे तो उन्होंने 26 में भी किया है, परंतु आपसे पूछा गया है कि कब किया पहली बार, वो बताना है पहले तो अपने को। तो 1025 ईस्वी में जो है इन्होंने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो वर्तमान सोमनाथ मंदिर है किसने बनवाया था, आपसे पूछा जाएगा पूरा निर्माण किसने करवाया था जो वर्तमान सोमनाथ मंदिर है। तो ये आप याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून बनाया था। तो सती प्रथा पहले चलती थी, सती प्रथा हुआ करती थी राजस्थान के मायने। तो राजस्थान में सती प्रथा को जो ख़त्म किसने किया, कानून किसने बनाया, तो ये बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो जो गवर्नर जनरल थे उस समय के, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्होंने 4 दिसंबर 1829 को इन्होंने ये बनाया था, इसका गैरकानूनी घोषित कर दिया था अधिनियम को, ठीक है। ठीक है, 4 दिसंबर 1829 में राजा राममोहन राय के कहने पर। तो देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। चोरा चोरी घटना कब घटित हुई, तो ये चोरा चोरी घटना है ये कब घटित हुई थी, 1922 में। चोरा चोरी घटना कब घटित हुई थी, 1922 में चोरा चोरी घटना घटित हुई थी। तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, चोरा चोरी घटना, ठीक है ना। तो ये चोरा चोरी घटना भी आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने क्या है, फिर जो है बारदोली जो नामक स्थान है गुजरात में, बारदोली नामक स्थान है, वहाँ पर जो कांग्रेस की मीटिंग बुलाई और असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया। कब किया था स्थगित, 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद है, क्योंकि 21 पुलिस वाले को जो है 5 फरवरी 1922 को जिंदा जला दिया गया था, तो इस कारण पे यहाँ पर ये मामला बढ़ गया था। तो इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लेना पड़ा था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से। तो अनुच्छेद 370 अभी ख़त्म किया गया है, आप लोगों को पता है, इसलिए ये चर्चा में है, तो आपके करंट में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ ना, आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपके सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिले, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, क्या था, जम्मू कश्मीर से संबंधित था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत में जो सर्वोच्च सेनापति होता है सब तीनों सेनाओं का, जल थल वायु, ठीक है। तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है, सबसे जो प्रमुख सर्वोच्च सेनापति वो होता है राष्ट्रपति। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरा कुंड बांध किस नदी पे। तो हीरा कुंड बड़ा है थोड़ा नाम भी, तो हीरा कुंड किस नदी पे है, तो महानदी पर है, और ये महानदी पर है। तो ये हीरा कुंड बांध किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। तो ये आप याद रखिएगा, हीरा कुंड परियोजना कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है ना। और किस विश्व का सबसे लंबा बांध, हीरा कुंड जो बांध है विश्व का सबसे लंबा बांध है, 4801 मीटर का है। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य, तो मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य है, तो मैकमोहन जो रेखा है वो आपके जो है भारत और चाइना के मध्य है। कहाँ पर है, भारत और चाइना के मध्य है ये, भारत और चाइना। और किसके नाम पर रखी गई थी दोस्तों मैकमोहन रेखा, ये भी पूछा जाए, तो ये रखी गई थी हेनरी मैकमोहन के नाम पर। किसके नाम पर, हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखी गई थी, तो ये आप याद रख सकते हैं चाहे तो।
अगला क्वेश्चन है शेरी कल्चर का संबंध किससे है, तो शेरी कल्चर का संबंध किससे है, तो शेरी कल्चर मतलब आपके जो रेशम के संबंधित, ठीक है ना, रेशम का कीट वगैरह का जो पालन होता है ना, रेशम के कीट का पालन करते कीटों का, तो वो क्या होता है, रेशम कीट का पालन को बोलते हैं शेरी कल्चर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, शेरी कल्चर जो रेशम के कीड़े के पालन और उनके रेशम के उत्पादन का जो अध्ययन किया जाता है ना, उसी को बोला जाता है शेरी कल्चर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न पदार्थों में से कौन सा सबसे अधिक कठोर है, तो सबसे अधिक कौन सा कठोर होता है, तो आप सभी को पता है, आपने सुना ही होगा कि हीरा होता है, डायमंड जो है सबसे अधिक कठोर होता है, ठीक है। क्या होता है, हीरा सबसे कठोर क्यों होता है, ये पूछा जाए साइंस की में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हीरा जो है सबसे अधिक कठोर क्यों होता है, इसकी क्या प्रकृति है, तो इसकी प्रकृति है संरचना जो इसकी होती है समचतुष्फलकीय पाई जाती है, इसकी जो संरचना होती है वो समचतुष्फलकीय संरचना होती है, ठीक है, इसी के कारण। और ये चमकता क्यों है, ये पूछा जाए कभी आपसे कि हीरा इतना ज़्यादा चमकता क्यों है, तो हीरा इसलिए चमकता है क्योंकि इसके अंदर आंतरिक परावर्तन होता है, क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, इसलिए चमकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये याद रखना। निम्न में से तना है, तो तना क्या है, तना तो यहाँ मूली भी लिख रही होगी आपको, सलगम शकरकंद आपको ऐसा लग रहा होगा, परंतु यहाँ पर यह तना नहीं हो करके आलू एक क्या है, तना है, क्या है, निम्न में से आलू क्या है, एक तना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया, तो भाखड़ा नांगल बांध जो परियोजना है आप लोगों को पता है किस किस की सहायक किस किस की परियोजना है, ये पहरा, तो पहरा से कैसे याद रखोगे, किस किस की परियोजना है दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना, तो ये पहरा की है, पहरा से मतलब पंजाब, ह से हरियाणा, रा से राजस्थान, तीनों राज्यों की ठीक परियोजना है। तो ये किस नदी पर है, सतलज नदी पर बनाई गई है ये, ठीक है ना, नांगल बांध पर कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई किस स्थिति से प्रारंभ की गई, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई किस स्थिति से प्रारंभ की गई, तो इसकी बात करेंगे हम तो 25 दिसंबर 2000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 दिसंबर 2000 इसका सही जवाब होगा आप सभी लोगों के लिए, 25 दिसंबर 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आप लोगों के लिए। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन सारे बताइए मुझे, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएं, लास्ट में बताऊंगा पीडीएफ आप कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे लास्ट में बताऊंगा, परंतु आप बताइए मुझे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ये वीडियो बिल्कुल फ्री है और आने वाले समय में रोजाना आपको ऐसे ही वीडियो मिलने वाली है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो भारत में स्थित है, तो भारत में कौन सा स्थान स्थित है, तो लोथल स्थित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल स्थान है ये भारत में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हमारे यानी पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सम्राट अकबर का वास्तविक नाम क्या, जो अकबर थे, अकबर जो थे उनका जो वास्तविक नाम क्या था, तो अकबर का वास्तविक नाम था जलालुद्दीन, क्या नाम था, जलालुद्दीन। और अकबर का जो कार्यकाल था, इन्होंने राजपाट कब किया था, 1556 से लेकर 1605 तक, ये भी कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे समीप ग्रह जो होता है उसका नाम है बुध, सूर्य के सबसे जो नज़दीक का जो ग्रह है उसका नाम है बुध यानी कि मर्क्यूरी, बुध, तो यह आप याद रखिएगा, तो बुध सूर्य के सबसे समीप ग्रह है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिए रहा, ये रहा, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे शनि होगा, तो शनि नहीं है मित्रों, बृहस्पति है, क्या हो जाएगा, बृहस्पति, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सूर्य से 5 गुना है, ठीक है,
तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह, अंगारक, लोहितांग, तो ये किसको कहा जाता है? तो ये मार्स यानी कि मंगल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य क्या है? सूर्य आप सभी लोगों को पता है सूर्य क्या है? तारा है, ठीक है ना, सिंपल सा आंसर है। सूर्य क्या है आपसे पूछा जाए कभी भी, सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका की सर्वप्रथम जो खोज की थी वो किसने की थी आप बताइए? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? सेल, कोशिका का क्या कहते हैं, सेल, सेल जो रस कोशिका है इसकी खोज 1665 में की गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। इसे जो है कोशिका यानी कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो क्या है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे लंबी जो कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा भी आंसर देंगे मुझे विश्वास है। रतौंधी रोग होता है, तो रतौंधी रोग किसके कारण होता है, किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होती है, और विटामिन ए की पूर्ति करनी है तो आप गाजर पालक वगैरह ये खाइए, बढ़िया आपकी पूर्ति कम हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस का जो रोग है आपका थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो रतौंधी रोग जो है किसका कारण होता है? विटामिन ए की यदि कमी हो गई आप में तो आपको जो है रतौंधी रोग हो जाएगा, आंखों का रोग। अगला क्वेश्चन, मानव की कोशिका में कितने गुणसूत्र है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि मानव की गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, 46 होते हैं, यानी कि 46 टोटल होते हैं, परंतु यदि जोड़ी की बात करें तो दो जोड़ी होते हैं, 23 23, ठीक है, 23 23, ठीक है। तो 46 होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं मानव में? 46 होते हैं, जबकि यहाँ पर बोला गया चिंपांजी में 24 होते हैं, बंदर में 21 जोड़ी होती है, जोड़ी की बात कर रहे हैं। मानव में 23 जोड़ी, चिंपांजी में 24 जोड़ी, बंदर में 21 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक रूप में या वैज्ञानिक रूप में वनों का प्रकार है? तो वन जो है तीन प्रकार से होते हैं। राजस्थान में आपने वनों का प्रकार सुना होगा कि रक्षित प्रकार के वन है राजस्थान में, आरक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है। इस प्रकार तीन प्रकार के वन राजस्थान में पाए जाते हैं या कहीं भी पाए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप में जो अध्ययन किया जाता है वनों का वो इन्हीं तीनों रूपों में किया जाता है, तो यानी क्या जाएगा, उपरोक्त से भी सही होगा। अब दोस्तों इनको बिल्कुल आप सिंपल से सोल्व करेंगे तो आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर एक्स मान लीजिए, ठीक है, और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल सा आके जैसे कि यहाँ पर निकाल रखा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये देख सकते हैं इन्होंने यहाँ कर रखा है, तो आप ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप इसमें भाग देंगे तो आप भाग दे लीजिए ऐसे, यहाँ इसका नीचे पॉइंट है इसका जीरो लगा लीजिए, तो आप इस प्रकार सिंपल सा या आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसे काटिए तो 102 आ जाएगा, आप इसकी 102 को फिर इसके नीचे भाग दे दीजिए तो कितनी बार जाएगा वो आप लिख सकते हैं, 30 बार गया तो 30 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये मैथ के इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसी प्रकार अगला मैथ का क्वेश्चन है आपके लिए, यदि एक ट्रक 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है, यदि एक ट्रक जो है क्या करता है 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी किमी चलेगा? तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है तो 5 घंटे में कितना चलेगा? तो आप 1 घंटे का निकाल लो, 1 घंटे में चलेगा 40, तो 5 में कितना चलेगा, सीधा सा गुणा कर दो, ठीक है ना। तो ये 2 घंटे में 80 चल रहा है तो 1 में 40 चलेगा। अब क्या करना है आपको, 5 का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 200 आंसर आ जाता है, सिंपल थे तो बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसे सिंपल सिंपल कर सकते हैं आप लोग। निम्न को सरल कीजिए, अब इनको क्या करना है आपको, सरल करना है, ठीक है ना। तो आप यार कर सकते हो इसको बिल्कुल, ऐसा कोई ज़्यादा कठिन तो है नहीं, ठीक है ना। तो इसको सिंपल सा करेंगे आप लोग, इसका जो है आप जल्दी से किसका एलसीएम ले लीजिए, इधर का पहले ले लीजिए, फिर एल का इधर का ले लीजिए, दोनों का अलग अलग पहले कोष्टक कोष्टक के अंदर जो मामला है वो करना है वो कर लीजिए, फिर उल्टा पुल्टा कर दीजिए तो आपका सिंपल सा का आंसर आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो आप इसे कर सकते हैं। अब इन्होंने तो क्या है इतना बड़ा मामला कर रखा है, तो इससे पहले भी आप छोटा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ का इधर अलग ले लीजिए, इसका अलग ले लीजिए एलसीएम, तो इसका 2 और 3 का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, ऐसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसके इसको डिवाइड रहने दीजिए। अब यहाँ क्या करिए, 6 और 4 में, या तो आप 24 ले सकते हैं, या इसका 12 आ रहा है तो 12 में दोनों का भाग जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 दुनी 4 3 12 और 6 दुनी 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो सिंपल सा आगे आप लोगों को पता है, तो इधर 5/6 हो गया, इधर भी 5/12 हो गया, तो 5/6
और ये बाघ होता है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो 12 ऊपर चले गए, 5 नीचे आ गया, तो अब क्या करोगे, सिंपल सा कैसे कर दोगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे मामला बिल्कुल फिट बैठ जाएगा एकदम। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें इन्होंने मिस्टेक कर रखी है, सिंपल सा किया जाएगा यहाँ पर, सही है, ठीक है। यहाँ माइनस है दोस्तों, सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ एक ही आएगा, ठीक है ना, यहाँ एक ही आएगा, तो 6 से 2 बार कट गया, तो कितना गया, यहाँ 2 आ गया, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, सिंपल आ गया ना। तो ऐसे आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा मामला है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी PDF के बारे में आपको बता ही दूंगा। तो यहाँ देखो, 2x³ का मान क्या होगा यदि x=5 है, तो 2 का तो 2 रख दीजिए, एक्स की जगह आपको 5 क्या रखना है, 5 रखना है, और इसका क्यूब करना है, तो आप क्या करोगे, 5 का क्यूब करना है, यानी कि 5, ये 2 × 5 × 5 × 5 × 5 ऐसे करना है, क्यूब का मतलब ये हो गया, तो 5 × 25, 5 × 5 = 25, 125, 125 × 250, तो सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है भाई, तो ठीक, देखो मैं एक चीज़ तो क्वेश्चन तो करवाऊंगा नहीं आपको, देते टाइम जाएगा। देखो यहाँ पर एक अलग अलग क्वेश्चन है, x + a × x + b बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, आप इसको निकाल सकते हैं यार, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगले की बात करें, गुणा करना है केवल, तो इसको क्या करना है, गुणा करना है। अब इसका होल स्क्वायर खोलना है आपको, केवल इसका होल स्क्वायर खोलना है, यानी कि आपने देखा ही होगा a + b का होल स्क्वायर का जो सूत्र आता है उससे खोल दो आगे वाले को, और पीछे वाले को खोल दो a - b के होल स्क्वायर के सूत्र से। तो कैसे, क्या सूत्र होता है, a² + ab + b², ये तो हो गया प्लस वाले का फॉर्मूला, a² - ab + b², ये इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगा लो और इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो क्या आ गया आंसर, तो ये आ जाएगा 40x। तो इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है एक वर्गाकार भूखंड का परिमाप 288 मीटर है, इसके अंतर्गत चारों ओर 2 मीटर चौड़ाई का एक मार्ग बनाया गया है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 288 मीटर है एक भूखंड का परिमाप, इसके अंतर्गत क्या करिए, चौड़ाई अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ाई का एक क्या बनाया गया, मार्ग बनाया गया, 2 मीटर चौड़ाई का जो एक मार्ग बनाया गया, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मार्ग बना रखा है 2 मीटर चौड़ाई का ये, तो आपको क्या करना है, इसका मार्ग का जो है क्षेत्रफल निकालना है, जो मार्ग देने इसका क्षेत्रफल, जैसे क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 × भुजा हो जाएगा, 4 × भुजा = 288 इसका परिमाप है। सही, सिंपल सा क्या करो, भुजा निकालने के लिए का भुजा निकाल लो पहले, तो 288 में जो है 4 का भाग दिया तो 72 आ गया, तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल - EFGH क्षेत्रफल, तो ये कर लेंगे इस प्रकार, तो 72, तो 72 आ गया ये इसका अंदर का, तो आप 72² - 68² तो सिंपल सा का आपका इस प्रकार क्या जाएगा, 560 वर्ग मीटर का यह आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, पेनिसिलिन की जो खोज की थी वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो दोस्तों अब आप लोगों को PDF लेनी है, तो PDF आप कैसे लोगे, आपको PDF लेने के लिए ₹30 का चार्ज देना होगा, क्या करना होगा, ₹30 का चार्ज देना होगा, PDF आपको सारी मिल जाएगी, ठीक है ना। आपको रोजाना वीडियो तो एक एक करके मिल ही रहे हैं, पर PDF आप यदि सीधा ही पहले PDF लेना चाहते हो मेरे से सीधा बिना सोचे समझे, ठीक है, आप अभी तुरंत जो है ₹30 पेटीएम फोन पे गूगल पे कुछ भी कर दी करना है, आप बता दूंगा आपको, ठीक है, उस नंबरों पे आपको करना है। तो नंबर बता रहा हूँ मैं आपको लोगों को, 82 90 37 23 59 इस नंबरों पे आपको करना है। तुरंत करके मुझे आप जो है व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और व्हाट्सएप इसे से स्क्रीनशॉट भेजते हो आप लोग, तो मैं आपको तुरंत जो है इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक दोनों वीडियो के मैंने करवाए, ये सारे क्वेश्चन साथ में इसकी डिटेल और आने वाले और भी जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, टोटल 120 पेज की PDF है
टोटल 120 पेज की पीडीएफ है और ये पीडीएफ आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है, यानी कि आपके लिए ये एक जन्म गुट्टी पीने वाली जैसी दवा हो गई, जड़ी बूटी पीने वाली जैसी दवा हो गई। आपके इसके बाहर कोई क्वेश्चन देखने को बहुत ही कम मिलेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है रामबाण साबित होने वाले दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे ना, तो आप जो है सोच विचार करने लग जाओगे कि हरिओम सर ने इतना अच्छा पढ़ाया है, जो कि आपके सारे पेपर में आ जाएंगे। तो ठीक है, और आप लोगों को मुझे आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इससे पहले मैं और भी वीडियो डाल चुका हूँ वनपाल वन रक्षक की, तो वो ज़रूर देखना ताकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत काम आए। और आपके पास अभी भी कुछ समय बच रहा है तो सारी वीडियो देख के ज़रूर जाना। मेरी आने वाले समय में और भी वीडियो डाल रहा हूँ, सारी वीडियो आपको देख के जानी है, ठीक है। एक भी वीडियो छोड़ देनी है, प्रॉमिस करना है आप लोगों को मेरे से कि सर हम प्रॉमिस करते हैं, हम तो देखेंगे जो देखेंगे और अपने दोस्तों को और दिखाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये। धन्यवाद।